हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर बार एक नए टॉपिक पे बात करते हैं एक नए डॉक्टर के साथ में, ऐसे ही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नितिश कुमार श्रीवास्तव, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं KGMU से। आज हम इनसे ऑटिज्म पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम सही टाइम पे ऑटिज्म को जज करके उसका सही इलाज कर सकते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं डॉक्टर नितिश कुमार श्रीवास्तव से। सर, आपका हमारे इस प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद एंड नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को। जी सर, हम लोग हर बार अपने हेल्थ मंत्रा प्रोग्राम में कुछ एक टॉपिक हम एक लेके चलते हैं, जिसमें जो कई लोगों को बीमारियों का थोड़ा पता होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज हम ऑटिज़म पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑटिज़म एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करिए कि ऑटिज़म होता क्या है। बेसिकली ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, आपके अर्ली डेवलपमेंट के फेज़ में, नियरली 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज में डिटेक्ट होता है। और मेनली ये अफेक्ट करता है चाइल्ड के सोशल कम्युनिकेशन एंड रिपीटिटिव बिहेवियर पे। जी, अल्टीमेटली चाइल्ड्स के बिहेवियर काफ़ी हैम्पर होते हैं और चाइल्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर आता है। कहा गया है कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। जी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी कि जो बिहेवियर होंगे वो एक ईरा पे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये काफ़ी ब्रॉड रेंज में आता है। जी, ये नियरली इसके जो इंसिडेंस हैं वो अभी जैसे USA का स्टेट्स है, उसमें 44 में एक बच्चा अफेक्टेड है। जी, बट ये काफ़ी अलार्मिंग साइन है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो 2000 में ये 188 में एक बच्चे था, फिर ग्रेजुअली ये बढ़ता आज 2020 में 44 में एक बच्चा अफेक्टेड है। तो ये ग्रेजुअली काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अवेयरनेस ही इसका इलाज है। जी, मोस्टली इसमें बॉयज़ आर मोर कॉमन अफेक्टेड दैन गर्ल्स, 4:1 के रेशियो होते हैं। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार हर 100 में एक बच्चे को ऑटिज्म है। जी, अच्छा, आपने ऑटिज्म के लिए बेसिकली अपने बच्चों के लिए बोला है, तो एक ये इनकी कोई एज ग्रुप होता है कि बच्चों से ही ऑटिज्म होता है या किसी बड़े जने को भी ऑटिज्म हो सकता है? देखिए, मैंने जैसा बोला कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो डिटेक्ट अर्ली चाइल्डहुड फेज में ही होता है, जैसे नियरली 2 to 3 ईयर्स में इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जी, तो बेसिकली ये बच्चों में ही पता चल जाता है। किसी कारण से अगर उनके डायग्नोसिस उस समय नहीं हुए तो ग्रेजुअली ये एडल्ट में भी चले जाते हैं, बट डायग्नोसिस जो बिहेवियर हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड में अपीयर होने लगते हैं। जी, अच्छा, ऑटिज्म बच्चे कैसे होते हैं, किस मतलब क्या चीज़ रहती है ऑटिज्म बच्चों में? वेल, देखिए, ऑटिज्म को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में बोला गया है कि ऑटिज्म जो है वो काफ़ी सेल्फ इंगेज रहते हैं बच्चे, अपने आप में टोटली इंगेज रहते हैं, उनको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है, इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। जैसे आप जाएंगे उनको नाम से पुकारेंगे तो बिल्कुल इंट्रैक्ट नहीं करते, वो आपके तरफ देखते भी नहीं हैं। तो ये मोस्टली सिम्टम्स होते हैं। उनमें कुछ और भी बिहेवियर आपको दिखेगा, जैसे वो हेड बैंगिंग करेंगे, फ्लैपिंग करेंगे, बार बार कहीं सर पटकते हैं, तो इस काइंड ऑफ बिहेवियर दिखेगा। बट अल्टीमेट ये है कि वो टोटली सेल्फ इंगेज होते हैं, मतलब वो बिल्कुल अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, एक्सटर्नल लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं रहता है। जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है, अगर इस कमरे में कोई आ रहा है जा रहा है तो उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी तो आप जैसे बच्चों के बारे में बता रहे थे कि ऑटिज़म बच्चे जो होते हैं कि वो बड़ा मतलब अपने को रिजर्व रखते हैं, लेकिन अगर हम उसी के लक्षण की बात करते हैं, क्योंकि ऑटिज़म एक बीमारी है एक तरीके से, तो ऑटिज़म शुरुआत हो रहा है ये कैसे हम जज करें, मतलब आम लोगों को कैसे मालूम चले कि वो बच्चा जो है वो ऑटिज़म की तरफ जा रहा है? सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ऑटिज़म में काफ़ी सिम्टम्स आपको दिखेगा। जी, मैंने पहले ही बोला कि वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर होते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम में आते हैं, लेकिन कोर फीचर्स हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। कम्युनिकेशन, दे आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल हुआ, वर्बल मतलब हुआ कि जैसे हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। तो चाइल्ड वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अदर वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल होता है आइधर राइटिंग वे में, या हम टाइप करें, या कोई गेस्चर, या कोई फिंगर पॉइंटिंग, या किसी तरह से हम अपनी बातों को बताने की कोशिश करें। ऑटिज्म में दोनों सिम्टम मिसिंग होते हैं, दोनों प्रॉब्लम होते हैं,
जैसे ना वो वर्बल कम्युनिकेट कर सकते हैं ना नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं। दूसरे कोर फीचर्स हैं इसके कि सोशल इंटीग्रेटेड नहीं रहते हैं, मतलब बच्चे जैसे मैंने बताया पहले कि बच्चे अपने में खोए रहेंगे, अगर सेम ग्रुप के सिबलिंग हैं या सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनके साथ वो मिक्स नहीं होते हैं, खेलते नहीं हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट कोर फीचर है कि उनमें बहुत सारे मल्टीपल एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स होंगे, जैसे हैंड फ्लैपिंग करना, बॉडी रॉकिंग करना, ठीक है, बार बार हेड को नॉडिंग करना, ये सारे बिहेवियर्स आते हैं जो कोर फीचर्स में आते हैं। इसके अलावा भी जैसे आपने बोला कि कैसे अर्ली पता करें, तो जैसे अर्ली में क्या होता है कि बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बहुत पुअर होगा, मतलब आप उसको नाम से पुकारेंगे तो आपके तरफ देखेंगे नहीं, अगर देख भी रहे हैं तो देख के तुरंत अपनी आई को हटा लेते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट पुअर होता है, सोशल स्माइल नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल बच्चे दूसरे किसी आदमी को देख के मुस्कुराएंगे, ये सारी चीज़ें उनमें मिसिंग होता है, इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, उनके इंटरेस्ट लिमिटेड होते हैं, वो किसी एक चीज़ को लेके घूमते रहेंगे। तो ये सारे कॉमन फीचर्स हैं जो आपको दिखेगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 2 से 3 साल में जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं, 2 और 3 ईयर्स में अगर बच्चे बोल नहीं रहे हैं और पेरेंट्स के बातों को नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ पेरेंट कंसर्न हो जाते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब वो फिर हम लोग से मिलते हैं। तो डॉक्टर, ये कोई रीज़न होता है कि मतलब बच्चे इस तरीके से अचानक से ये सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, या घर का एटमॉस्फेयर या आसपास का एटमॉस्फेयर इस तरीके का मिलता है जिस वजह से वो ऑटिज़म की तरफ चले जाते हैं, तो क्या कारण होता है इस तरीके से बिहेव करने का? देखिए मैम, मेनली ऑटिज्म के जो रीजन्स हैं, कॉजेज हैं, वो वेल एस्टेब्लिश नहीं है, सारे थ्योरी पे बेसिस है, बट मोस्ट ऑफ द थ्योरी ये बोलते हैं कि जेनेटिक इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज, यानी कि वहाँ कुछ म्यूटेशन होते हैं जीन में जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, तो उसमें उस तरह के केसेस में ऑटिज्म के चांस बढ़ते हैं। फिर उसके अलावा और भी सारे जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जिसके कारण बढ़ते हैं। इन जेनेटिक म्यूटेशन के अलावा देयर आर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक अगर बच्चे का एक्सपोजर हो रहा है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन के साथ या हैवी मेटल टॉक्सिन के साथ, पेरेंट्स जब अगर मदर कंसीव कर रही है उस दौरान वो किसी तरह की मेडिसिन ले रही है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है। बट अगेन हम बोल रहे हैं कि कोई वेल इस्टेब्लिश कॉजेज नहीं है, बट ये सारे थ्योरी हैं जिसमें बोला गया कि जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑटिज्म। बाकी सर, अगर हम इनके प्रकार पे बात करते हैं, क्या ऑटिज़म का भी कोई कई प्रकार होते हैं, और क्या मतलब उनके क्या स्टेजेस भी होती हैं, ऑटिज़म की कोई स्टेजेस भी होती है कि किसी में मान लीजिए किसी में 10% है, किसी में 20%, तो ऐसा भी लेवल देखने के लिए मिलता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम बता दें टाइप्स का, तो अभी एट प्रेजेंट देयर आर ओनली वन डायग्नोसिस, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन 2016 के पहले जैसे DSM-4 क्राइटेरिया था उस समय, तो उस समय इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें एस्पर्जर सिंड्रोम था, रेट सिंड्रोम था, चाइल्डहुड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर था, एंड परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, एंड ऑटिज्म, 5 क्राइटेरिया था। बट पांचों के फीचर्स मेनली वही थे जो मैंने कोर फीचर में बताया, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, सोशल एंड रिपीटेटिव मोटर मैनरिज्म। बट प्रेजेंटली जो DSM-5 आया 2016 में, इन्होंने ये सारे को हटा के एक ही कंडीशन कह दिया, एंड दैट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर हम बात करते हैं कि परसेंटेज का, जैसा आपने पूछा, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये वाइड स्पेक्ट्रम है, तो इनको मेनली 3 क्राइटेरिया में बांटा गया है। एक को बोलते हैं माइल्ड ऑटिज्म, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स आता है, देन मॉडरेट, एंड देन सीवियर। जिन बच्चों में सीवियर सिम्टम्स होते हैं उन्हें सीवियर आता है। ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्केल्स हैं, जैसे कार्ड्स हैं, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म ईशा, इनके बेसिस पे किया जाता है, बट मेनली ये ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ये डिवीजन किया गया है। जी, बाकी जैसे आप बोल रहे हैं स्टेजेस होता है, तो सीवियर वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत, तो सीवियर वालों को क्या चीज़ें सफ़र करना पड़ता है? देखिए मैम, सीवियर को जैसे सीवियर बच्चे हुए उनके आईक्यू लेवल भी कम होती है, और काफ़ी सिम्टम्स होंगे, काफ़ी बिहेवियर होगा, लाइक एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, और वो अपनी बातें बिल्कुल भी नहीं समझा पाते, कम्युनिकेशन तो मेजर फैक्टर है, तो बिल्कुल नहीं समझा पाते, और अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मतलब वो इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट बिहेवियर आपको दिखेगा बच्चे में। तो इन बच्चों को हमेशा बोला गया कि हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, वो इंडिपेंडेंट लाइफ बिताना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर माइल्ड है तो उनको इजी होता है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ की ओर जा सकते हैं, अगर समय पर हम थेरेपी जो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या डिफरेंट काइंड ऑफ जो थेरेपी होते हैं अगर दे दिया जाए, तो वो समय पर नॉर्मल स्कूल में भी ज्वाइन कर सकते हैं या नॉर्मल बच्चों के साथ भी रह सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर, इन लोग के लिए ऑटिज्म के लिए क्या सावधानियां हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? सावधानियाँ मीन्स जैसे अगर बच्चे को ऑटिज्म है और आप घर में हैं, तो मैंने बताया कि उनके काफ़ी बिहेवियर होते हैं, जैसे डिसरप्टिव बिहेवियर है, वो हेड बैंगिंग करते हैं, इधर उधर जंप करेंगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आप अपने रूम को इस तरह से अरेंज कीजिए कि बच्चे को चोट लगने के चांसेस कम हो। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हेड बैंगिंग एक बिहेवियर है, बच्चे सर को पटकते हैं तो ऑब्वियसली वाल होंगे तो वहाँ पर चोट लगने का चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे पेरेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा पैडेड समथिंग कुछ पैडेड लगा लीजिए सो डैट कि बच्चे को चोट ना लगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, मोबाइल टीवी ये सब से दूर रखें, और उनके साथ टाइम व्यतीत करें, उनके साथ आप अपना टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जी। और डॉक्टर, अगर इनके निदान पे बात करते हैं तो क्या है निदान इनका ऑटिज्म के बच्चों के लिए? जैसा मैंने बताया कि ऑटिज्म एक कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो अगर हम निदान की बात करते हैं तो अभी तक कोई अकॉर्डिंग टू रिसर्च कोई ऐसे एविडेंस नहीं आया है कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है जिससे आप इसका निदान कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में थेरेपी ही वर्क करती है, जो मेनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, स्पेशल एजुकेशन, इन सारे थेरेपी से ग्रेजुअली हम बच्चे को उनकी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर, ये जो आपने थेरेपी बताई है, तो बच्चे एंड बड़ों के लिए दोनों के लिए थेरेपी सेम होती है या दोनों के लिए अलग अलग कुछ थेरेपीज की जाती हैं? नहीं जी, देखिए क्या होता है कि बच्चे में तो अर्ली डायग्नोसिस होता है तो हम लोग अर्ली इंटरवेंशन पे ज़्यादा बात करते हैं, तो 2 to 3 years में हम उनको टारगेट करते हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, ठीक है, उनके बिहेवियर जो सिम्टम्स के रूप में है, बिहेवियर है, उनको कम करें और उनको एक नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड करें। बट अगर हम बात करें एडल्ट में, तो उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है, तो उस दौरान साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, ये सब ज़्यादा वर्क करते हैं। और एडल्ट में देखिए हमारा जो गोल होता है थेरेपी का, जैसे बच्चों में हमारा थेरेपी का गोल है कि हमें उनको डेवलप करके नॉर्मल स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है, सो डेट के दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में बैठे, पढ़े, टाइम स्पेंड करे, पीयर ग्रुप रिलेशंस हो, प्ले हो। बट एडल्ट की बात है तो वहाँ पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ जी सके। तो डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, अगर हम आपसे बात करें कि जो जितने भी आपने थेरेपीज बताई हैं उसमें से बेस्ट थेरेपी क्या रहती है जो आप मोस्टली यूज़ किया करते हैं? देखिए मोस्टली क्या होता है कि सब थेरेपी के अपने अलग अलग रोल हैं। अब जैसे हमने बोला कि जैसे बच्चे का अर्ली डायग्नोसिस होता है तो हमारे पास आते हैं, तो अगर हम अपनी बात को रखें तो एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पहले हम सेंसरी फीचर देखते हैं, तो सेंसरी फीचर्स में बच्चे हाइपर एक्टिव होंगे, बैठेंगे नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर शो करते हैं, अटेंशन लेवल बहुत कम होता है, तो किसी चीज़ को लर्न नहीं करते, तो डेफिनेटली उस समय हमारा फोकस रहता है कि हम इनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करें, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, तो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करके हम उनकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाते हैं, लाइक पहले बच्चे 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, एंड उनका अटेंशन लेवल थोड़ा बढ़े। जब अटेंशन लेवल बढ़ता है तब हम बोलते हैं कि आप दूसरे थेरेपी की ओर जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैम कि कौन बेस्ट है, तो मैम सबके अलग अलग डोमेन है, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट है उनके डोमेन सोशल कम्युनिकेशन है, ABA है उनकी डोमेन बिहेवियर है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंसरी एंड मोटर पैटर्न पे वर्क करते हैं, जैसे जितने भी डेवलपमेंटल डिले होंगे, लाइक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हुए, फाइन मोटर हुए, हैंड राइटिंग इश्यू हुआ, तो ये सब एरिया हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कवर करते हैं। दैट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस पे कौन सी थेरेपी यूज की जाए। डेफिनेटली मैम, बट ये तीनों थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला कि सबसे पहले बच्चा अगर बैठता नहीं है, आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत जरूरी है। एक बार बच्चे की अटेंशन लेवल बढ़ जाएगी, सिटिंग टॉलरेंस आएंगे, तो देन डेफिनेटली हमें उनको कम्युनिकेशन सिखाना है, क्योंकि अगर बच्चे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उनको काफ़ी सारे बिहेवियर होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे कि आप सपोज कीजिए एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता है, कुछ बता नहीं सकता है, उसको पेट में दर्द हो रही है, तो पहला रिस्पॉन्स रोएगा, चिल्लाएगा, या अपने पेरेंट्स को किसी भी वे में बताने की कोशिश करेगा, तो जो वे होता है डेट इज इनफॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बच्चा कुछ एस्टेब्लिश होते हैं, उनके अटेंशन लेवल बढ़ते हैं, तो हम लोग स्पीच एंड कम्युनिकेशन के लिए बोलते हैं, सो डेट कि बच्चा कम्युनिकेट करे, जब बच्चा कम्युनिकेट करने लगेगा तो उनके काफ़ी बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर, ये है कि हम लोग जज नहीं कर पाते हैं, आम पर्सन एक जजमेंट नहीं कर पाता है कि डॉक्टर को किस टाइम पे दिखाया जाए, और अगर हमने समय रहते डॉक्टर को ना दिखाया गया तो और कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं,
किस समय पे दिखाएं और मतलब कितने टाइम पीरियड तक दिखा लें ताकि और दिक्कतें ना। जैसा मैंने कहा कि ये जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा होता है। जैसे कि बच्चे अगर घर में है तो पेरेंट्स एक साल डेढ़ साल तक नोटिस कर लेते हैं कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम है। जैसे जो अर्ली एज वाले बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स का एक ही कंप्लेन होता है कि ये सुनता नहीं है या बोलता नहीं है। तो पेरेंट्स जितना जल्दी नोटिस करे उतना जल्दी उन्हें जो उनके कंसल्टेंट पेडिटिशियन है उनसे मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, फिर फर्दर जो इनका इवेल्युएशन या डायग्नोसिस है वो करवाना चाहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल थेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर ये चीज़ देर होती है लेट होती है तो फिर उनमें जो चीज़ें स्किल्स की आने के चांसेस काफ़ी कम होने लगती है। सपोज कीजिए कि एक दो साल के बच्चे को थेरेपी करके हम अटेंशन लेवल बढ़ा रहे हैं और स्पीच एंड कम्युनिकेशन आने की बात कर रहे हैं और वही एक छः साल के बच्चे को कर रहे हैं। पाँच साल में बोला गया कि बच्चे का कम्युनिकेशन एंड स्पीच डेवलप हो जाता है, तो छः साल में तो ऑलरेडी वो लेट हो चुके हैं ना, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि जितना जल्दी हो सके पता चले उतनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी ऑटिज्म के लिए कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं, वो क्या होते हैं? बिल्कुल मैम, घरेलू उपचार में जैसे मोस्टली हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए। जैसे कुछ डाइट मॉडिफिकेशन है वो डाइट के बारे में हम बताते हैं। हमारे जो सेंसरी एक्टिविटी है वो एक डाइट के फॉर्म में आते हैं जिसको हम लोग सेंसरी डाइट बोलते हैं। हम बेसिकली पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये सेंसरी डाइट आप फॉलो कीजिए दिन में 3 or 4 times जो आपको घर में करना है। लाइक इसमें बहुत सिंपल सिंपल एक्टिविटी होती है बेस्ड ऑन द सेंसरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड। जैसे अगर बच्चे को मूवमेंट का जरूरी है तो हम उस टाइप में मूवमेंट एक्टिविटी डालेंगे जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को एक बार मसाज, डीप प्रेशर, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें घर में इजीली हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब करने से बच्चों में काफ़ी फर्क पड़ता है। जी, तो मतलब ये है कि अगर हम इस तरीके से एक्टिविटीज़ करें, घरेलू उपचार करें तो काफ़ी कारगर रहते हैं। घरेलू उपचार मीन्स मैम कि आपको थेरेपिस्ट बताएंगे कि ये सब चीज़ें करना है। घरेलू उपचार में ऐसे कुछ मतलब नहीं है जैसे कि आपको पता नहीं है और आप करें तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको थेरेपिस्ट बताएंगे कि ये सब एक्टिविटी करना है घर पे, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। और बेसिकली देखिए, मेरा मानना है कि पेरेंट्स अगर बच्चों को घर में उनके साथ टाइम दें और थेरेपिस्ट के बताए हुए एक्टिविटी को करे तो बच्चे में ज्यादा फायदा आता है रेदर देन आप लेके इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मींस थेरेपिस्ट जो चीज बताए तभी करें, ये ना हो कि किसी ने सजेस्ट कर दिया या किसी जानने वाले ने कुछ सजेस्ट कर दिया तो उस अकॉर्डिंग ना करें। हाँ, क्योंकि देखिए मैम, डिफरेंट बच्चों के डिमांड डिफरेंट होते हैं, उनके नीड डिफरेंट है, तो उन बेसिस पे हम लोग सेंसरी डाइट प्रोग्राम बनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप किसी थेरेपिस्ट से मिलके और एक सेंसरी डाइट प्रोग्राम करें जिसको आराम से घर में करें और उससे बच्चे के अटेंशन लेवल, एक्टिविटी लेवल, ये सब काफी इम्प्रूव होगा। जी, बाकी डॉक्टर ये है कि इसके लिए क्या है बेस्ट, एक कोई मेडिसिन भी होगी तो कौन सी बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए? मैम मैंने पहले बताया कि अभी तक जितने भी रिसर्च है, एविडेंस है, उसके अनुसार जो कोर फीचर्स हैं ऑटिज्म के, जो मैंने पहले बताया कि कम्युनिकेशन, सोशल एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, कोर फीचर्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो एडिशनल सिम्टम्स है, लाइक हाइपर एक्टिविटी हुआ, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे सप्लीमेंट भी होता है वो देते हैं, बट कोर फीचर्स के लिए मैम कोई मेडिसिन नहीं है। और अगर हम इनके डाइट पे बात करते हैं तो क्या डाइट होनी चाहिए और किस चीज़ से हमें परहेज करना चाहिए? हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट रियली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे में। कितने सारे ऐसे स्टडी हैं जिन्होंने बताया है कि एक GFCF डाइट होता है जिसको बोलते हैं ग्लूटीन फ्री केसिन फ्री डाइट। तो ये डाइट देने से बच्चों के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेज आया है। कुछ पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया, कुछ ने बोला है कि इससे फायदा भी नहीं होता है, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं कि इससे फायदा होता है। तो आप GFCF डाइट दे सकते हैं। GFCF डाइट में मोस्टली क्या है, ग्लूटीन फ्री। ग्लूटीन मतलब हमारे जो गेहूं होता है उसमें ग्लूटीन होता है, तो आपको गेहूं के चीज़ें नहीं देनी है। केसिन फ्री मतलब आपको दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं देने हैं उनको। इसके अलावा आप उनको ओमेगा 3 का कोई भी सप्लीमेंट दे सकते हैं, फ्लैक्स सीड दे सकते हैं, जो अलसी होती है हमारे यहाँ, फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 होता है, वॉलनट दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल फाइबर फूड दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ों से फायदा होगा। एंड शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है, जो वाइट शुगर है, चीनी, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव, जो आजकल के बच्चे जैसे चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, ये सारी चीज़ प्रिजर्वेटिव होती है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होती है। बाकी डॉक्टर, इसको ऑटिज्म को पता करने के लिए क्या किसी तरीके के टेस्ट भी होते हैं? वो कौन से टेस्ट होते हैं, अगर होते हैं तो किस तरीके के टेस्ट होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हैं जो ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए होते हैं। जैसा मैंने बताया कि एज अर्ली आपको पता चले, आप अपने पेडिटिशियन से मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो उसको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं।
कि बच्चों में जैसे मैंने बताया कॉजेज में कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं लाइक हैवी मेटल पॉइजनिंग है, इन्फेक्शंस हैं, कुछ ड्रग है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे मेटाबॉलिक इंबैलेंस है उसको, तो डिफरेंट तरह के ब्लड टेस्ट करते हैं, बट उससे ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं होता है, तो ये स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड इवेल्युएशन होते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे इंडिया में ईशा है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, और वो उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो हमारे इंडियन बच्चों के लिए डेवलप किया गया है, उसके बेसिस पे हम उसको इवेल्युएशन करते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कितने परसेंटेज प्रॉब्लम है या किस कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा कार्ड्स है जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, इससे भी आप पता कर सकते हैं, मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ये लोग करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इससे फाइंड आउट हो जाता है कि क्या इशू है। बट क्लिनिकल सेटिंग में अगर कोई बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ऑनलाइन काफ़ी ऐसे क्वेश्चनियर है जिसको आप करके एटलीस्ट रूल आउट कर सकते हैं कि आपके बच्चे रिस्क पे है कि नहीं। ठीक है, अगर रिस्क पे है देन फर्दर इवोल्यूशन की आवश्यकता है, अगर रिस्क पे नहीं है देन दैट ओके। और ये भी कहा जाता है कि लड़के और लड़कियों के ऑटिज्म में अंतर होता है, तो क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस देखे जाते हैं लड़के और लड़कियों में? हाँ बिल्कुल, देखिए लड़के और लड़कियों में जैसे कोर फीचर्स बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो लड़के और लड़कियों में होते हैं। देखिए जितने भी रिसर्च है, जितने भी स्टडी है, उसके अनुसार बोले गए हैं कि लड़कियों में मोटर डेफिसिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉय। मैंने पहले बताया कि ये कंडीशन बॉयज़ में ज़्यादा होती है, रेशियो इज 4:1। ठीक है, तो लड़कियों में मोटर इशू ज़्यादा होता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो लड़कियों में कम्युनिकेशन के इशू कम होते हैं, जैसे मैंने बोला वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो कुछ स्टडी में मुझे मिला है कि लड़कियों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन बॉयज़ में कम्युनिकेशन इज ए मेजर प्रॉब्लम। अगर हम सोशल डेफिसिट की बात करें तो सिमिलरली यहाँ है, बॉयज़ में सोशल डेफिसिट ज़्यादा होता है, गर्ल्स में कम होता है। इसके अलावा गर्ल्स में एंजाइटी एंड डिप्रेशन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, और केसेस में एंजाइटी एंड डिप्रेशन के। सिमिलरली अगर बात करें तो डिसरप्टिव बिहेवियर की, डिसरप्टिव बिहेवियर होता है जो बच्चे मतलब जो हानिकारक बिहेवियर लाइक हेड बैंगिंग कर रहे हैं, फिंगर बाइट कर रहे हैं या हैंड बाइट कर रहे हैं, ये सब बिहेवियर बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं, और वो बिहेवियर वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए होती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं टेंजिबल थिंग है कि कुछ चाहिए इसलिए बिहेवियर शो करते हैं। बट गर्ल्स में इस टाइप के बिहेवियर जो होते हैं ये मोस्टली अटेंशन सीकिंग होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो गर्ल्स और बॉयज़ में होते हैं। ठीक है, ओवरऑल जैसे मैंने बोला एग्रेसिव बिहेवियर बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स में कम होते हैं। जी, बाकी ऑटिज्म से क्या पूरी तरीके से निजात पाया जा सकता है? मैम ऑटिज्म क्योर नहीं होता है, जितने भी स्टडी या आर्टिकल मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ऑटिज्म क्योर नहीं होता है, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप अर्ली इंटरवेंशन लेते हैं तो बच्चे इम्प्रूव करते हैं, वो नियर टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ ट्रेट रह जाता है। तो DSM-5 ने जो डेफिनेशन दिया है ऑटिज्म का, उसमें यही लिखा है कि इसका लाइफ टाइम डायग्नोसिस, यानी कि लाइफ में आप कभी भी कहीं हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बचपन में कभी ऐसे सिम्टम्स थे, तो इट मीन्स आप ऑटिज्म है, तो आप मतलब उस चीज़ से हट नहीं सकते। तो मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये क्योर नहीं होते हैं, बट इम्प्रूव होते हैं, सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, बच्चे नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। जी, बाकी डॉक्टर हमारे एक सवाल एक व्यूअर ने पूछा है कि नेत्रहीन बच्चों के व्यवहार में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ मैम, नेत्रहीन बच्चों में भी काफ़ी सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर देखा गया है। सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर का मतलब हुआ कि बच्चे अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हैं, अपने अटेंशन लेवल को मेंटेन करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। और कॉमन जो बिहेवियर उसमें आता है वो है रॉकिंग, बच्चे ऐसे ऐसे रॉक करते हैं, हिलते डुलते हैं, सो डैट कि उनको वो स्टिमुलेशन मिले। इसके अलावा ब्लाइंड बच्चे में आई पॉकिंग है, गेजिंग है, लाइट की तरफ देखते हैं, आई पोकिंग करते हैं, फ्लैपिंग ऑफ फिंगर्स होता है, ये सब कॉमन बिहेवियर है। इसके अलावा उन्हें एंजाइटी इशू भी होता है, समटाइम और डिसरप्टिव बिहेवियर भी शो करते हैं, तो ये सारे फीचर्स जो विजुअल इम्पेयर चाइल्ड है उनमें मिलता है। जी, बाकी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन पे व्यायाम का क्या लाभ मिलता है? मैम एक्सरसाइज का रियली काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अर्ली डायग्नोज होता है कोई भी कंडीशन हो, मैं ऑटिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आइदर ऑटिज्म हो, ADHD हो या सेरेब्रल पल्सी हो, कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, उसमें हम लोग पहले इवेलुएट करके उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक्सरसाइज प्रोग्राम जो होता है बेस्ड होता है उनके प्रॉब्लम एरिया पे, कि उनको जो प्रॉब्लम है हम उनको टारगेट करते हैं कि उसको इम्प्रूव करें। उसके अलावा ये सारे एक्सरसाइज बच्चे के अटेंशन लेवल को बढ़ाने के लिए भी है। एक स्टडी है जिसमें कहा गया कि आप 20 लेवल अगर फिजिकल
एक्सरसाइज ऑटिस्टिक बच्चों को कराते हैं तो उससे उनकी हाइपर एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, और इन एडिशन टू दैट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज से आपका वेट कंट्रोल हो रहा है, ओबेसिटी नहीं बढ़ रहा है, बच्चे एक्टिव है, एक्टिवली इंगेज हैं, सो डैट कि वो दूसरे काम भी एक्टिवली कर सके। तो एक्सरसाइज रियली बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी डॉक्टर, ये है कि एक स्पेशल चाइल्ड के लिए एक स्पेशल टीचर, एक स्पेशल डॉक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल मैम, स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जैसे देखिए स्पेशल बच्चे में काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो उनके अटेंशन लेवल कम होते हैं, दूसरा वो नॉर्मल बच्चों से कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो स्कूल से अपने एजुकेशन गोल में वो काफ़ी पीछे हो जाते हैं जी। तो स्पेशल टीचर जो है वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो लोग काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं, उनके पास डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बच्चों को सिखा पाए। एक नॉर्मल टीचर कोई चीज़ जैसे एग्जांपल लीजिए कि ABCD सिखा रहा है, एक स्पेशल एजुकेटर इसको डिफरेंट फॉर्म में सिखा सकते हैं, सो डैट कि बच्चा अल्टीमेटली सीखे। तो चूँकि एक फॉर्म में बच्चा का अटेंशन लेवल पुअर हो जाता है, तो स्पेशल टीचर उसको डिफरेंट फॉर्म में करते हैं, तो ये चीज स्पेशल एजुकेटर ही कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो 1-to-1 बच्चे का गोल बनाते हैं, उन पे टारगेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी गोल यही होता है कि उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ इंटीग्रेट करें। इसके अलावा बिहेवियर, जब बच्चे बिहेवियर शो करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर, अगर एंजाइटी हुआ या एग्रेसिव बिहेवियर हुआ, तो नॉर्मल टीचर के लिए ये आई थिंक अनकॉमन सा चीज होता है, तो उसको हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन स्पेशल एजुकेटर उनको एक पता है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे रिवार्ड देना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करके अपने गोल को अचीव कराना है। तो मेरे ख्याल से स्पेशल टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है। मींस ऑटिज्म कभी खत्म नहीं होता, और उसमें बस ये है कि कुछ परसेंटेज उसको मैनेजेबल किया जा सकता है, मैनेजेबल और इंप्रूव होते हैं, कंडीशन इंप्रूव होते हैं। आज कितने ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो अपने लाइफ को जी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, तो कंडीशन इंप्रूव होता है। आप प्रॉपर उसकी थेरेपी करें, टाइम से अगर पता चल गया उस पर ध्यान दें और थेरेपी करें, तो डेफिनेटली बच्चे में काफी चेंजेस आते हैं जी। डॉक्टर, आखिर में हम चाहेंगे आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। देखिए मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, और मोस्टली हमारे पास जो बच्चे आते हैं और जो पेरेंट्स आते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि बच्चे को पहले बच्चे की तरह ट्रीट करें। जैसे हमारे पास कितने पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि चूंकि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है इसलिए ऐसा बिहेवियर कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। चूँकि बच्चे बच्चे हैं, पहले बच्चों को बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या उनका डायग्नोसिस है। प्यार की भाषा सब समझते हैं, अगर हम प्यार से डील करें बच्चों को, तो काफ़ी हद तक बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके साथ खेल सकते हैं, और उनके चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो कभी भी बच्चे के साथ फोर्सफुली नहीं करें, उनको मारे नहीं, डांटे नहीं, प्यार से उनके साथ खेलें और टाइम दें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल और टीवी को बिल्कुल ना दें, और उनके साथ टाइम व्यतीत करें, तो आपके बच्चे में काफ़ी चेंजेज आएगा। बी पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव मन से बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं, तो काफ़ी चेंजेज आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, आप अपना समय देने के लिए। थैंक यू। आज के प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में हमने बात की डॉक्टर नीतीश कुमार श्रीवास्तव जी से ऑटिज्म पर, जिन्होंने हमें बताया कि ऑटिज्म बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करें तो उनका जो ऑटिज्म वाला प्रॉब्लम है वो खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ हद तक उसको मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक पे, एक नए डॉक्टर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।